वेलकम एवरीबॉडी। आज हम मोमेंट पार्ट वन पढ़ेंगे। मोमेंट पढ़ने से पहले आप बेसिक टर्म पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इंट्रोडक्शन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, लॉ ऑफ फोर्सेस पार्ट वन, पार्ट टू के वीडियोस देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोमेंट किसी भी बॉडी को घुमाने की टेंडेंसी को कहा जाता है। वैसे फोर्स किसी भी बॉडी में लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती है। अगर बॉडी को एक तरफ से हिंज कर दिया जाए तो फोर्स बॉडी में मोमेंट लगाती है और उसे घुमाती है, यानी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है। मोमेंट ऑफ फोर्स फोर्स के द्वारा पैदा किया गया टर्निंग इफेक्ट होता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट को फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दर्शाया जाता है। ये डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लगी है और फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच की दूरी को कहा जाता है। मोमेंट का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। एक एग्जांपल करते हैं। इसमें फोर्स 10 न्यूटन है और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से 5 मीटर है, तो इसकी मोमेंट 10 इंटू में 5 50 मीटर न्यूटन मीटर हो जाएगी। ये इंक्लाइंड फोर्स है। इंक्लाइंड फोर्स के केस में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये 60 का एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर 5 sin 60, तो 5 sin 60 की वैल्यू को इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 43.30 न्यूटन मीटर। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसके उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। 10 sin 60 आ जाएगा और 10 cos 60 आ जाएगा। अब इन फोर्सेस की मोमेंट निकाल लेंगे। 10 sin 60 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है और 10 cos 60 वाले की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मीटर है, क्योंकि यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल 0 है, तो इसकी भी वैल्यू 43.30 न्यूटन मीटर आ जाएगी। अगर फोर्स बॉडी को क्लॉक की तरह घुमाती है, घड़ी की तरह घुमाती है, तो उसको क्लॉकवाइज मोमेंट कहा जाता है। अगर क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाती है, यानी घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहा जाता है। वेरिग्नियन थ्योरम कहती है कि कंकरेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट की मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट इन फोर्सेस की मोमेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होती है। अगर इस केस को देखें तो F1D1 जमा F2D2 जमा F3D3 जमा F4D4 ये रिजल्टेंट की मोमेंट के बराबर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स का जोड़ किसी भी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के जोड़ के बराबर रहेगा उसी पॉइंट के अबाउट। तो अगर हम इसको देखें तो इनकी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इनकी मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। F1D1 जमा F2D2 बराबर F3D3 जमा F4D4। अब इनको इधर ले जाएंगे, बराबर में 0 आ जाएगा, यानी नेट मोमेंट किसी भी सिस्टम के लिए जो इक्विलिब्रियम में है 0 होगी। सिंपल लीवर एक सिंपल बार होती है जिसमें एक हिंज होता है, इसको फलक्रम भी कहते हैं। फलक्रम से एफर्ट की फलक्रम से दूरी को एफर्ट आर्म कहते हैं और लोड की फलक्रम से दूरी को लोड आर्म कहते हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लें तो डब्लू गुना बी बराबर हो जाएगा पी गुना में ए, क्यों? इसकी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, इसकी मोमेंट क्लॉकवाइज, तो पी को इधर ले आएंगे, ए ये बी को इधर ले आएंगे, ए बटे बी हो जाएगा। डब्लू अपन पी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं और ए अपन बी को लेवरेज कहते हैं। सिंपल लीवर जैसे तराजू, कैंची, सीसा,
ये सिंपल लीवर होते हैं। कंपाउंड लीवर में काफ़ी सारे सिंपल लीवर को कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ताकि लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। कंपाउंड लीवर के केस में मैकेनिकल एडवांटेज उन सभी लेवरेज का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। स्टील यार्ड कुछ इस तरीके का होता है, ये यहाँ पे सपोर्टेड रहता है, ये राइडर है, ये एक स्केल है, यहाँ पे वेट लगाया जाता है, इसको घुमा के वेट को मेज़र किया जाता है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वेट लगा दिया, उस केस में इसकी जो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन है पे है, अंतिम पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये जो W है इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, और ये राइडर, इसको राइडर बोलते हैं, ये इसमें राइडर का वेट है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, तो इसकी जो मोमेंट हो जाएगी W गुना X, इसकी मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट W गुना X हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी L जमा Y गुना में डब्लू आर, ये वाली। अब इनको इसको अंदर गुना कर लेंगे, फिर इसको इस तरफ ले आएंगे, और L की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी डब्लू एक्स माइनस डब्लू आर वाई अपॉन में डब्लू आर। अब हम L को वेट के टर्म में ग्रेजुएट कर सकते हैं, यानी स्केल बना सकते हैं जो वेट को मेज़र किया जा सके, यानी ये लेंथ के अक्रॉस अगर राइडर किसी भी पोजीशन पे हो तो वो वेट का मेज़रमेंट दे देगा। सेफ्टी वाल में एक वेट होता है और यहाँ पे फलक्रम होता है, ये वाल नॉर्मली क्लोज रहता है, सेफ्टी वाल बॉयलर में लगा रहता है। बॉयलर में जैसे ही प्रेशर फालतू होता है वो फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने से ये मोमेंट लगती है। सपोज़ करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है, तो इसकी मोमेंट लगेगी फोर्स की एफ एक्स। अगर ये एफ एक्स यानी प्रेशर फोर्स की मोमेंट इस डब्लू एक्स से ज़्यादा हो जाती है तो ये इसको ऊपर उठा देगा, और जैसे ही ये ऊपर उठ जाएगा तो इसके अंदर की स्टीम होगी यानी भाप होगी, वो बाहर निकल जाएगी, वो बाहर निकलने से इसका एक्सेसिव प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फिर दोबारा ये वाल्व बंद हो जाएगा और बॉयलर फटने से बच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।